मैंने क्या बाइक लिया, कौन सा बाइक लिया हूँ, आपको आप लोगों को नीचे जाके पता चलेगा। और गाइस ये बाइक ज़्यादा पैसा नहीं लिया है, सिर्फ 30,000 का अंदर में लिया है। और 30,000 का अंदर में कौन सा अच्छा बाइक मिलेगा। और गाइस लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, आप सबको स्वागत है फिर से आज के नए ब्लॉग पे। और आप लोग देख सकते हैं मैं अभी निकल चुका हूँ, अभी मैं जाने वाला हूँ काम में। और आज मेरा कॉल आने वाला था वो बाइक दुकान से, तो क्या होगा पता नहीं, अभी तक कॉल तो आया नहीं है। और मैं अभी जा रहा हूँ काम में फिर से आउटलेट में। वो जैकेट भूल गया यार, जब जैकेट को भूल के जाता हूँ तब बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। तो ये जैकेट सुखा के रखा था सुबह सुबह, और मेरा पास एक ही ये जैकेट है, तो क्या कर सकते हैं, वही पहन के जाना पड़ेगा। तो मैं पहन लेता हूँ। और गाइस यहाँ में एक डिश टीवी लगा के रखा है, ये देखो, ये क्या बोलता है पता नहीं, एयरटेल का एक टी वी लगा के रखा है लेकिन कुछ काम का नहीं है। यहाँ में कुछ भी वायर्स वायर नहीं है, बस ऐसे ही लगा के रखा है। और अभी चलते हैं नीचे में, और मेरा तो आज काम में जाना ही है, आप लोग देख ही सकते हैं। और ऐसा ही होता है, और आज मैं जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा पता नहीं, मतलब उधर मैं कॉल करूँगा बोला था बाइक का दुकान, तो तब तक रुकना पड़ेगा। और ये देखो पट्टा, वो देखो पहुँच गए। अभी जा रहा हूँ ऊपर में, पहले चेकिंग कर लेते हैं। और देख सकते हैं वो रहा बाइक, तो सबसे पहले अभी चेकिंग करना पड़ेगा। और जाऊँगा कॉल आने से लेके जाऊँगा, मैं सोच रहा हूँ, मतलब कॉल बोल का बोला था कॉल से, अभी वेट कर रहा हूँ दो पे को, तो कॉल बोल से जाऊँगा उधर। गाइस सेकिंग कर लिया हूँ, और सेकिंग करने का बाद एक बात पता चल रहा है कि मेरा बाइक में कुछ खराबी है। जो क्या खराबी है वो दिखाता हूँ। यहाँ में देख सकता है, यहाँ में बाइक पर करके रखा था, और बाइक का जो की है वो देख सकता है, की पूरा अंदर में घुस गया, वो देख सकता है पूरा अंदर घुस गया, उसको उठाने भी नहीं सक रहा है, तो इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बाइक को उधर पार्किंग में रखता हूँ। हो गया है रेडी, और हाथ देख सकते हैं कितना काला काला हो गया, मैकेनिक से भी ज़्यादा काला हो गया। और अभी निकल गया है ये की का साइड, ये मतलब पूरा अंदर घुस गया था, तो वो अंदर का चीज जो है, ये चीज जो है वो टूट गया था, तो ये तार से इसको एडजस्ट किया वो। और अभी पहले हाथ धो लेता हूँ, उसके बाद कॉल करूँगा उधर में बाइक का शॉप में, और हाथ धुलाई करने के बाद ही कॉल करूँगा। तो हाथ धुलाई कर लेते हैं ऊपर में। सो है गाइस, ये क्या है देख सकता है, यहाँ में लिखा है सुपर मोटर्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ टू व्हीलर फोर व्हीलर, मतलब फाइनली मैंने बाइक परचेस कर लिया है, यानी कि बाइक लेके आ गया हूँ। कल रात जो बहुत ज़्यादा रात हो गया था, उसका वजह से वीडियो नहीं बना पाया हूँ। तो गाइस मैंने क्या बाइक लिया, कौन सा बाइक लिया हूँ, आपको आप लोगों को नीचे जाके पता चलेगा। और गाइस ये बाइक ज़्यादा पैसा नहीं लिया है, सिर्फ 30,000 का अंदर में लिया है। और 30,000 का अंदर में कौन सा अच्छा बाइक मिलेगा। और गाइस मेरा औकात तो इतना ही है बस। तो और गाइस
थोड़ा सा शांति मिल गया है, यानी कि हर महीना 5,000 कट करता है, उससे ज़्यादा तो दूसरा बाइक ले लिया है 30,000 का अंदर में, तो वही बात है। और गाइस आप लोग देख सकते हैं आज का नज़ारा कितना बढ़िया सा है, आप लोग देख ही सकते हैं। और गाइस अभी मैं जाने वाला हूँ आउलेट में, यानी कि आउलेट में जाके वो जो बाइक है वो वापस करना है, कैसे वापस करना है वो उधर में जाके पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं नीचे में। निकल चुके हैं और ये है नंबर प्लेट बाइक का, देख सकता है ये लगाया नहीं अभी तक, मतलब नया बनाया था, जो पुराना वाला था वो पूरा ख़राब हो चुका है, यानी कि पुराना है और स्टाइलिश में लिखा हुआ था उसका वजह से। ये आगे देख सकता है मेरा नया बाइक, यानी कि सेकेंड हैंड में लिया गया है, बहुत ही पुराना बाइक है, 2013 का मॉडल है। तो सबसे पहले बैग में डाल लेते हैं, जो नंबर प्लेट लिया था वो भी लगाना है मुझे। बाइक में डाल लिया वो, और अभी बाइक का लुक्स देख सकते हैं, पुराना दिखता है लेकिन अंदर का जो इंजन है बहुत ही बढ़िया इंजन है, ये देख सकता है। और अभी निकलते हैं। ये बाइक को चलाने के लिए बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही पुराना बाइक है लेकिन सर्विसिंग करके अगर अच्छा से चलाने से बहुत ही अच्छा से जाता है और अच्छा से चला भी सकता है। और देख सकते हैं अभी मैं पहुंच गया हूँ आउलेट के पास में, मेन रोड में ही हुआ अभी, वो देख सकता है अभी यहाँ में पार्किंग करना पड़ेगा साइड में, तो यहाँ में पार्किंग कर लेते हैं। ये सब बाइक चलाने के लिए अच्छा लगता है, थोड़ा सा बड़ा है, मेरे पहला का जो बाइक है उससे भी थोड़ा बड़ा बाइक है ये, देख सकता है वो पुराना बाइक का जैसा उसका कंपेयर ही नहीं कर सकता, इतना बड़ा बाइक है यार, अच्छा लगता है देखने के लिए भी। तो चेकिंग कर लेते हैं पहले, बाइक को पार्किंग में कर लिया हो और अभी चेकिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आपको फिर से दिखाऊंगा। और दो दिन से बहुत ज़्यादा बुखार है मेरा, बुखार है मतलब सर्दी हो गया था उसका वजह से, मतलब बहुत परेशान हूँ, और वही मैं अभी चेकिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आगे मिलते हैं। और कुछ भी नहीं, अभी देख लीजिए बाइक मतलब कितना किलोमीटर चला हुआ है वो लोग देख लीजिए, ये आगे का लुक्स है ऐसा, कुछ नाम आपने ऐसा लगा के रखा है, और ये देख सकता है अभी तक चला है कितना वो देख सकता है, 28,000 होने वाला है यार, और वो सब देख सकता है ऐसा मीटर है। और बाइक का जो हालत है वो देख सकता है कैसा है, इंजन भी बहुत ही बढ़िया इंजन है और टायर भी नया लगाया है वो ऐसा है, और नंबर पे देख सकता है बहुत ही पुराना बाइक है यही है। और 30,000 का अंदर में कौन सा अच्छा बाइक मिलेगा, तो इससे तो अच्छा बाइक मिलने के लिए और 10-15,000 ज़्यादा लगाना पड़ता था, लेकिन माइलेज भी अच्छा देता है बाइक, पुराना हो या जो भी हो, बस मेरे को डिलीवरी काम के लिए बाइक चाहिए था, तो बाइक तो ले लिया हूँ, तो अभी टेंशन नहीं है, अभी हर महीना इसको 2,000 खर्चा करने से भी मतलब अच्छा रहता है, तो अपना बाइक होता है। और वो रहा बाइक पार्किंग में रखा है वो देख सकता है। और गाइस अभी मैं ऑर्डर भी मार चुका हूँ, और गाइस आज का तो वीडियो यही में खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आज का तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और गाइस आज का तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना मत भूलना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अगली वीडियो में इससे भी ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। और अभी बाइक आ गया तो थोड़ा उधर उधर भी घूमना घूमने वीडियो बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, अपना पास टाइम ही नहीं होता है। और बस आज का तो वीडियो है बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तो